नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों। श्योपुर मध्य प्रदेश में अब आदिवासी सड़कों पर, हजारों की संख्या में आदिवासियों ने किया कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव। विजयपुर विधायक सीताराम आदिवासी के आह्वान पर किया घेराव। आज श्योपुर कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में आदिवासी समाज ने एकत्रित होकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य मांग करहाल में फर्जी पट्टेदारों और दबंगों को बाहर निकालने और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही को लेकर थी। ये मामला सिखों से चालू होकर आदिवासी समाज पर पहुंच गया है। पहले सिखों ने खूब बवाल मचाया, अब आदिवासी समुदाय सड़कों पर नजर आ रहा है और श्योपुर प्रशासन इसमें बीच का केंद्र बना हुआ है। पहले एंटी माफिया मुहिम के तहत प्रशासन पर सिखों के मकान तोड़ने का आरोप लगा था, जो अभी शांत भी नहीं हुआ कि ये नया मामला सामने खड़ा हो गया। रिपोर्ट मनोज कश्यप। आदिवासी इकट्ठे हुए, आज कलेक्ट्रेट में विज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब। हमारी जमीन दबा रखी है दबंग लोगों ने, वो ज़मीन हमारी छोड़ी जावे, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सभी जो भी है दबंग लोग, वे हमारी ज़मीन छोड़े, हमारी कोई लड़ाई नहीं है आदिवासी की। और हम सब संगठन में जो भी है आदिवासी सब आए हैं हमारे, हमारा यही कहना है कि हमारी ज़मीन छोड़ी जावे, क्यों बार बार नप जाती है, फिर दबंग लोग फिर दबा लेते हैं हमारी ज़मीन। किसने दबा रखी है आपकी, क्या बात है? अरे सभी लोग आ रहे हैं उसमें, तो दबंग लोग सभी है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम फिर धरना धरेंगे, पूरे आदिवासी संगठन ने पूरा हमारा आदिवासी इनका, हमारी जमीन छोड़ी जावे, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, जो हमारा हक है वो दिया जावे। आदिवासी समाज जो आज एकत्रित हुआ, आदिवासियों के बीच में जाकर ये बात कही कि आपके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए भाजपा आपके साथ खड़ी है, लेकिन किसी भी जाति समुदाय को टारगेट नहीं किया जाए, कोई भी बात इस इलाके में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो। कांग्रेस के लोग वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हम लोग ये सब बात करने के लिए आदिवासियों के बीच में गए हैं, ताकि आगे कोई ऐसी स्थिति ना हो कि कोई समुदाय आमने सामने आए। इस बात को लेकर आज हम लोग आदिवासियों के बीच में थे। जो अभी प्रशासन ने उनको जेल में दे रखा है, उनका कोई अपराध नहीं है। जमीन आदिवासियों की, गरीब भाइयों की जमीन है, उन ज़मीनों को छोड़ा जाए। उसके बाद में जो पट्टे लेके हमारे गरीब आदिवासी घूम रहे हैं, उन पट्टों पे बाहर के लोग कब्जा किए हुए हैं, इनकी ज़मीन खाली कराई जाए, इनको ज़मीन दी जाए, गरीब आदमी बेचारा अपना भरण पोषण करें। ये किसी से लड़ाई लड़ने थोड़ी आए, अपने हक की बात रखने आए हैं, वो अपने हक की बात पूरी ताकत से रखी जाएगी। अगर इनकी ज़मीनों पर खाली नहीं कराई जाती या मुकेश मल्होत्रा जी को नहीं छोड़ा जाता, तो इससे भी बड़ा आंदोलन आगे होने होगा विजयपुर की धरती पर।